नमस्कार। प्रिंस कॉलेज सीकर की सिविल सर्विसेज विंग द्वारा आयोजित आज के इस विशिष्ट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रिंस कॉलेज सीकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष से एक बहुत बड़ा नवाचार आप सभी के बीच लेकर के आया था। एक दौर था जब एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लोग अक्सर ये चर्चाएं करते थे कि अब दिल्ली जाऊंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा। लेकिन वक्त बदल गया है, अब लोग 12वीं के बाद से ही ऐसे कॉलेजों की तलाश में जुट जाते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी का ऑप्शन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाते हैं। मुझे इस लाइव के माध्यम से आपको बताते हुए ये खुशी है कि प्रिंस कॉलेज देश के उन चंद चुनिंदा कॉलेजों में से एक है जो 12वीं के बाद यानी कॉलेज के साथ ही यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की एग्जाम करवाने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है। इस समय हम प्रिंस कॉलेज सीकर के जयपुर बीकानेर बाईपास स्थित भव्य कैंपस के बाहर बैठे हैं और मैं चाहूँगा कमलेश जी से कि एक बार उस हाईवे का वो खूबसूरत नज़ारा दिखाएं। कॉलेज के गेट पर ही 105 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ देश की आन बान और शान का प्रतीक, हम सभी के स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है और उस तिरंगे के नीचे सेना का T-55 टैंक लगा हुआ है। इस कॉलेज परिसर में जैसे ही आप प्रविष्ट होते हैं तो देशभक्ति की भावनाएं इन दोनों प्रतीकों को देखने के बाद हिलोरी मारने लग जाती है और जैसे ही आपका प्रवेश प्रिंस कॉलेज में सुनिश्चित होता है और आपकी निगाहें प्रिंस कॉलेज की सिविल सर्विसेज विंग की ओर पड़ती है तो वहाँ अनेक अशोक स्तंभ जो यूपीएससी करेक्ट करने के बाद आपके बाजुओं पर लगेंगे उनको देखकर आप रोमांचित महसूस करने लग जाते हैं। आज के इस लाइव में हम कॉलेज के साथ यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और उसकी गहराई क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट मेहमान, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव की गोधोली में बैठी हुई उन प्रतिभाओं के लिए जो संघर्षों में पल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े सपने देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है यूपीएससी SSCSC यानी यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें ऑल इंडिया लेवल पर 551वीं रैंक 2021 में प्राप्त करने वाले डॉक्टर पवन कुमार सर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए आप बजाएं। यूपीएससी सीएससी में 551वीं रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नागौर के जाइल के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है, जब आपका रिजल्ट आया तो अखबारों में बड़ी सुर्खियां चली, अखबारों ने बड़ा हेडिंग लगाया कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा भावी IAS ऑफिसर बनने जा रहा है, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा। और तब मेरा कहने का मन होता है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। जहां हौसला है, जहां सपने हैं, जहां हिम्मत है, वहां सब कुछ है। भले ही आपका जन्म छोटे गांव में हुआ हो, भले ही आपका परिवार संघर्ष से निकल करके बाहर आने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन आपकी, जैसा कि कलाम साहब कहते हैं कि हमेशा सपने देखो और बड़े देखो, तो आपकी आंखों में बड़े सपने हैं तो आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके आसपास का माहौल आपको किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकता। तो डॉक्टर पवन कुमार सर हम सबका न केवल मार्गदर्शन करेंगे बल्कि अपनी संघर्ष पथ की वो कहानी भी आपके साथ साझा करेंगे जो गाँव की प्रतिभाओं को मोटिवेट करेगी, जो गाँव की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर पवन कुमार सर के साथ ही हमारे साथ प्रिंस कॉलेज की सिविल सर्विसेज विंग की दो सीनियर फैकल्टी भी मौजूद हैं। हमारे बीच प्रेमवदा सिंह मौजूद हैं, आप लखनऊ की रहने वाली हैं, सीनियर फैकल्टी हैं प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग की। और हमारे साथ गोविंद दास सर मौजूद हैं, आप कानपुर के रहने वाले हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग की सीनियर फैकल्टी हैं। आप सभी के साथ एक बात हेल्दी डिस्कशन,
एक बहुत ही उपयोगी डिस्कशन, चाहे आप एक अभिभावक हैं चाहे विद्यार्थी हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि आप अभिभावक और विद्यार्थी के दायरे से बाहर निकल करके अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना और बनना चाहते हैं तो ये लाइव आपके लिए है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस लाइव को शेयर कर दें, ताकि मैं अक्सर कहता हूँ कि गाँव में खेत की मुंडेर पर बैठे हुए, गाँव में किसी खलिहान में काम करते हुए, गाँव में किसी चौपाल पर बातें करते हुए वो युवा इस लाइव को देख करके मुठियां कसें, बाजू चढ़ाएं कि जब डॉक्टर पवन कुमार सर ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पवन कुमार सर तक चलता हूं। आपकी यूपीएससी सीएससी 2021 में, यानी गांव की भाषा में कहें तो आईएएस 2021 की एग्ज़ाम में 591 रैंक है। 2018 आरएस में भी आपकी 308 रैंक थी। इस समय आप बाड़मेर में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के पद पर कार्यरत हैं। पहले में आपका असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर भी चयन हो चुका है, और मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए ये खुशनुमा समाचार मैं बता दूं कि आप प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, यानी प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को आपका मार्गदर्शन एक मेंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में इस समय मिल रहा है। थैंक यू। तो सर, आप जायल के पास सोमड़ा गांव के रहने वाले हैं, नागौर जिले में। जी सर। एक बिल्कुल सामान्य से परिवार से आप निकले। बिल्कुल। और पिता ट्रक ड्राइवर थे, तो परिवार के सामान्य हालातों का अंदाज आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लोग ये सोच रहे होंगे कि ये परिवार कभी इन हालातों से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आप आवाज़ में असर के लिए बेकरार थे, और परिवार के विपरीत हालातों को पीछे धकेलते हुए आईएएस बन गए हैं, ये कह देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे प्रिंस परिवार की ओर से। थैंक यू। प्रिंस परिवार के सभी अभिभावकों और शुभचिंतकों की ओर से। सबसे पहले मेरा मन है, क्योंकि लाइव देखने वाले, देखिए संघर्ष हर आदमी को प्रेरित करता है, संघर्ष हर आदमी को सलाम करने के लिए मजबूर करता है। यस। तो आपके जीवन की वो कहानी, कहाँ से ये मोटिवेशन मिला, सामान्य से परिवार से, छोटे से गांव से, छोटा गांव, सामान्य परिवार, और फिर भी ये सपना आपने देखा, और अपने संघर्ष की वो दास्तां, अपने संघर्ष की वो कहानी, जिसको सुनकर के लाइव देखने वाली हजारों हजार युवा प्रेरित। सबसे जो पहली प्रेरणा मिली जीवन में कुछ करने की, वो मेरे पिताजी से ही मिली। पिताजी गाँव में मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और साथ में मुझे पढ़ाते थे थोड़ा बहुत। मैं उस टाइम गांव में क्या है कि टेलीविज़न वगैरह होता नहीं था, तो बच्चे कहानी कहना या किसी में, मेरे दादी को, पापा को कहता है बात कहो, आप कहानियाँ सुनाओ मेरे को, तो रात को सोते टाइम वो कहानियाँ सुनाते थे। तो ये कहानियाँ मुझे लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाते थे, जिन्होंने विपरीत हालात में रहते हुए अपने अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया, और वो सफल रहे बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि में। जैसे डॉक्टर कलाम की भी कई बार पापा कहानी सुनाते थे कि कैसे वो अखबार भेजते थे, सुबह उठ के 4 बजे उठ के अखबार भेजते, अखबार भेज के फिर अपने कॉलेज स्कूल जाते थे। तो इन कहानियों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी जीवन में कुछ बड़ा करूं, इनकी तरह बनूं। फिर जो है, मेरी दादी माँ थी, वो भी जैसे बड़े भगवान राम की इनकी कहानियाँ सुनाती थी, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती। वो एक भगवान राम हम हीरो मान सकते हैं, कि वो मेरे हीरो थे, आदर्श थे, कि जीवन में कुछ बड़ा करूं। उसके बाद पापा पढ़ने में गांव में ठीक था मैं, तो फिर गांव के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि इसको वहाँ भेज दो। आप सरकारी स्कूल में पढ़े? गांव में, हाँ, पहले सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल ही था, छोटा स्कूल था, मतलब वो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल दूर था काफ़ी, तो प्राइवेट स्कूल था, वो गांव में ही था, घर के पास ही। तो वहाँ पर क्या हुआ कि टीचर्स थे, वो मेरे को, उन्होंने बोला कि ये पढ़ने में ठीक है बच्चा, इसको नागौर भेज दो, आप वहाँ बड़ी जगह पर ले जाओ। फिर वहाँ नागौर में मेरी 10th 12th हुई, और उसके बाद सिविल सर्विसेज का कुछ आइडिया नहीं था हमें कि तैयारी क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही दौर था इंजीनियरिंग का, आईआईटी का, या फिर जो मेडिकल वाला, जो नीट पीएमटी इसका। तो वहाँ पीएमटी की, उसके बाद पीएमटी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बीडीएस किया मैंने जयपुर से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, यहाँ से मैंने बीडीएस किया। उसके बाद बीडीएस के बाद, मतलब बीडीएस दौरान मेरे को सीनियर्स थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला कि अच्छा, ये भी कोई आईएएस की तैयारी होती है कॉलेज के बाद। मतलब कॉलेज के बाद मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की, और मैं 3-4 बार यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुँचा, इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। साथ में इससे पहले आरएस में भी 2018 का जो वैकेंसी थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और लास्ट ईयर उसकी ज्वाइनिंग भी आ गई जी। और ये एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण जर्नी रही मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए जी। कि भाई कैसे, जैसे वित्तीय बाधाएं तो थी, इसके अलावा और भी गाइडेंस की कमी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी
जो मैंने देखी है, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों को भी प्रेरित करना कि भाई आप सही गाइडेंस हो अगर सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज फिर क्या होता है कि मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तो भ्रमित हो जाते हैं, मेहनत भी करते हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि डायरेक्शन सही नहीं होती तो फिर वो फेल्योर भी हो जाते हैं, ऐसे भी चीज़ें मैंने देखी है। जी तो सर, आप एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट कह सकते हैं, BDS आपने किया, और इसके बाद में आदमी अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल सकता है। एक डेंटिस्ट से सिविल सर्विसेज की ओर रुख करना, आपके अंदर हो सकता बहुत मजबूत कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, परिवार के शुभचिंतक, वेल विशर्स, उन सब ने हाथ पकड़ा होगा एक बार की कि पवन जी उधर मत जाइए, अच्छे भले डॉक्टर बन गए हो, पैसा अच्छा भला कमा लोगे, परिवार पालोगे। उस समय आपने उनको क्या जवाब दिया कि नहीं मुझे तो ये करना है? परिवार में देखो, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रहेगी, मेरे मम्मी पापा जो मेरा हर डिसीजन रहा लाइफ का उसमें साथ रहे। बाकी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ज़रूर ऐसे मेरे को टोकते थे कि भाई एक दो बार, अब UPSC में जैसे 2-3 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन, तो वो कहते थे कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि IAS में ऐसे थोड़ी IAS बनते हैं अपने जैसे, वो तो वहाँ बड़े शहरों के लोग होते हैं, वही IAS बनते हैं, अपने थोड़ी बन सकते हैं कोई। तो अभी डेंटिस्ट होता तो तू कितने पैसे कमा लेता, मेडिकल ऑफिसर लग जाता, ऐसे वैसे मेरे को मतलब घर मेरे पापा को डेली सुना के जाते थे कि ये तेरा औलाद है वो ख़राब हो गई, इसने गलत रास्ता चुन लिया। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे घर वाले जो मम्मी पापा है वो मेरे साथ रहे हर डिसीजन पे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि तू पढ़, भगवान है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बस तू कर्म कर, अपने आप तेरा जो कर्म है वो भाग्य को भी बदल देता है, जब हमारा मेहनत हमारी इतनी स्ट्रांग हो तो डेस्टिनी है वो भी चेंज हो जाती है। और इसी सिद्धांत पर मैंने काम किया और मैं लगातार पढ़ता रहा, मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। और जब हारते हम तब हैं जब हम खुद हार जाते हैं, अंदर से हार मान लेते हैं। आज जो लोग उस टाइम कह रहे थे, जो लोग ताने भी मारते थे कि कलेक्टर साहब, मेरे पापा से मम्मी से ऐसे पूछते थे कि कलेक्टर साहब कहाँ है जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब, आज अब लोग वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ यार मुझे तो विश्वास था कि ये कुछ करेगा। तो चीज़ें चेंज हो जाती है, ऐसे आप कभी उम्मीद मत करना लाइफ में कि जब आपकी लो या आपकी परिस्थिति सही नहीं हो तो दूसरे आपका सहयोग करेंगे, आपको खुद ही उठना है, खुद का सहयोग खुद ही करना है, आप अपने जो साथी है वो सबसे बड़े साथी खुद ही हो, ये चीज़ ध्यान रखना जीवन में। जी सर, जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक लोग ये कहते थे कि कलेक्टर साहब कहाँ, घर पर आकर के पूछते थे, और जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद वही लोग ये कहने लगे कि हमें तो पहले ही लग रहा था पवन जी तो बचपन से ही मेधावी थे, टैलेंटेड थे, इनका तो होना ही है। दोस्तों, ज़िंदगी की सच्चाई भी यही है, और ज़िंदगी का मज़ा भी तब है जब आप लोगों के तानों को तालियों में तब्दील कर दो। जो लोग आपको ताने मारते हैं वही एक दिन खड़े होकर के आपके लिए तालियाँ बजाएंगे। पवन जी, पहले कई बार गाँव में, चूँकि अपन गाँव से निकले हुए लोग हैं, गाँव में जब भी किसी पढ़ने वाले बच्चे को या इंटेलिजेंट आदमी को टोंट मारना होता था, ताना मारना होता था, तो लोग अक्सर ये कहते तू कौन सा लाट साहब है, लाट साहब। मेरी इस सब लाट साहब शब्द को लेकर के बहुत जिज्ञासा थी, जब मैंने इस वर्ड की छानबीन की तो अर्थ ये निकल करके आया कि कलेक्टर को यानी जिलाधीश को लाट साहब बोलते हैं, और इसीलिए लोग ताना ये मारते थे कि तू कौन सा लाट साहब है यानी तू कौन सा कलेक्टर है। आज एक छोटे से गांव से निकला हुआ, अभी कह रहे थे आप अपने उद्बोधन में कि मेरे पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, आपके पिताजी ने मिट्टी के बर्तन बना करके एक पूरे समाज की प्यास बुझाई है, और आपको माटी से मटके में तब्दील करके समाज की दूसरी प्यास भी उन्होंने बुझाने का काम किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे और समाज में इस तरह के और कुंभकार पैदा करें जो मिट्टी के लोथड़ों को मटकों में तब्दील करें और वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्यास को बुझाएं। सर, मैं अगला सवाल आपसे फिर लेना चाहूँगा। गांव में बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो मेहनती इतनी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अलसुबह से लेकर के देर रात तक आप उनको टास्क दे दीजिएगा, आप उनको गाइडेंस दे दीजिएगा, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में, मेंटरशिप के अभाव में और थोड़े से कॉन्फिडेंस के अभाव में उनको ये लगता है कि ये बड़े काम तो बड़े घरों में जन्मे हुए बड़े लोगों के होते होंगे, हमारी कहाँ पार पड़ेगी। लेकिन आप इस चीज़ के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि गाँव की गोधूली में पलने वाली हर प्रतिभा को डॉक्टर पवन कुमार सर बनने का सपना देखना चाहिए। उन प्रतिभाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे, मार्गदर्शन आप क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो टैलेंटेड, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको टीचर भी जानते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है,
पेरेंट्स को भी पता होता है, लेकिन क्या करते हैं पेरेंट्स में थोड़ी सी झिझक होती है। जैसे मैं कई बार ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन 90% है मार्क्स, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं, अगर हमने इसकी तैयारी में लगा दिए तो हमारे पास क्या बचेगा। तो ये तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई वो वेस्ट नहीं है। आप बच्चे की पढ़ाई में लगा रहे हो तो वो कई गुना आपको हजारों गुना पैसे देगा। आज मैं मेरे पिताजी के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ तो वो पूरा संघर्ष भूल जाते हैं हम, जब समाज के जो लोग आके उनको साफा पहनाते हैं, आओ साहब बैठो साहब, तो इस चीज़ में उनके चेहरे पर जो संतुष्टि देखता हूँ तो उससे वो सारी चीज़ें भूल जाती है। तो आप अपने बच्चों का साथ दें, सबसे पहले तो पेरेंट्स का साथ ज़रूरी है। कोई भी बच्चा अगर संघर्ष करेगा वो तभी सफल होगा जब वो उसके घर वाले साथ रहेंगे। बहुत बार ये सफल अभी आप हमें लगता है कि ये सिविल सर्विसेज में ओवरनाइट हम सक्सेसफुल हो जाते हैं भाई, एक रात में वो हो, लेकिन इसके पीछे जो कितनी लंबी है रात, कितना लंबा संघर्ष है, बहुत बार हो सकता है हमें असफलताएं भी देखनी पड़े। तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट होता है वो ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहे, उन पर ट्रस्ट करे। बच्चा हमेशा जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो हमेशा अपनी तरफ से वो बेस्ट करता है जी। हो सकता है कई बार चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती, तो हमारा टाइम आता है जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो आप बच्चों के साथ रहे, और बच्चे भी थोड़ा बड़ा सोचें कि हम कर सकते हैं। आज मैं जैसे मेरे गांव के पड़ोस में डीडिया का लगा, वहाँ से वो सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे यहाँ क्या नथमल डिडेल, और भी कई लोग ऐसे हैं, हाँ नथमल डिडेल हैं, और भी कई लोग हैं जो ऐसे गाँव से लेकर उन्होंने एक बड़ी उड़ान देखी है, वो एक बड़ा सपना देखा है। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप जैसे ही हम लोग सारे, हमारे अंदर कोई आपसे कोई डिफरेंस थोड़ी है, बस यही है कि सपना बड़ा देखा था और मेहनत ज़्यादा की, डटे जुझारूपन रहा कि हमने हार नहीं मानी। लोग क्या करते हैं कि एक आधी असफलता से हार मान लेते हैं, तो हार नहीं मानो और बड़ा लक्ष्य रखो बस। थैंक यू सर, सर ने बहुत बड़ी बात की, कही कि आप बाहर के माहौल से प्रभावित नहीं हो, आपके अंदर क्या चल रहा है उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छा शेर है कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो आदमी के अंदर होता है। Yes, सब कुछ आदमी के अंदर है, बस वो ठान ले और मान ले। सर मैं वापस आप तक पहुंचना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर का एक सपना था कि हम उल्टी गंगा बहाएंगे, यानी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारी प्रतिभाएं दिल्ली का रुख कर रही हैं, उस दिल्ली के रुख को रोड करके दिल्ली से लोगों को सीकर लेकर के आएंगे। वो लोग ग्रेजुएशन के बाद में बच्चों को तैयारी करवाते थे, आपका सपना था कि क्यों नहीं 12वीं के बाद ही, यानी कॉलेज शिक्षा के साथ ही बच्चा यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करें। और इस अपने महत्वाकांक्षी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब होमवर्क किया, कई दफ़ा दिल्ली का विजिट किया, आपके राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर की गलियों में भटके, वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ इंटरव्यूज किए, और पीछे बहुत सारे चेहरे में देख पा रहा हूँ कि पिछली बार दर्जनों की संख्या में आप बहुत अच्छे लोगों को वहाँ से लेकर के भी आए, और लास्ट ईयर ही प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग की शुरुआत आपने की प्रिंस कॉलेज के साथ। आप आज के दिन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, विजिटिंग फैकल्टी के रूप में प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चूँकि आपकी ऑल इंडिया लेवल पर 551वीं रैंक है, इसका मतलब ये है कि इस फील्ड का ए से लेकर के जेड तक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए, किस तरह का कोर्स कुरिकुलम होना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की टीम होनी चाहिए, लाइब्रेरी में कौन से न्यूज़पेपर्स होनी चाहिए, कौन सी मैगजीन्स होनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, ए से लेकर के जेड तक यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी का आपसे छुपावा नहीं है, आपकी पारखी नज़रों से छुपावा नहीं है। आप प्रिंस की सिविल सर्विसेज विंग में सेवाएं दे रहे हैं, मार्गदर्शन सेवाएं तो नहीं कहूँगा, माफ चाहूँगा, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी मेंटरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ का माहौल और यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हमारे डॉक्टर साहब ने जुटाए हैं उनको लेकर क्या आपका क्या कहना है? क्या राजेंद्र नगर और दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ यहाँ हैं या नहीं? आपने देखा है वही? यस सर, यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि सर ने क्लासरूम है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे मैं जो यूपीएससी वाले मैन द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर है और डिजिटल न्यूज़पेपर हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि दिल्ली में क्या है कि ओवर मुखर्जी नगर में ओवर क्राउडिंग है, एक तो ग्रेजुएशन के बाद जाता है बच्चा जी। तो ग्रेजुएशन का जो तीन साल होते हैं तो वो तो उनके वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि उनका अगर हमें जैसे मेरे को सही गाइडलाइंस पता नहीं था तो मैंने ग्रेजुएशन बीडीएस किया, उसके बद फिर सिविल सर्विसेज की आया, नहीं तो अब जिनके कंसेप्ट क्लियर होगी मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो वो 12th से अपना ग्रेजुएशन में ऐसे ही सब्जेक्ट लो जिनसे हमें आगे हेल्प मिलती है। तो ग्रेजुएशन से एक तो वो वैसे लीड में है,
कि भाई 3 साल तक वहाँ बच्चा 3 साल कॉलेज में वेस्ट करके फिर जाता है, इससे अच्छा कि 3 साल यहीं से UPSC का पढ़े। दूसरा है कि फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत, मतलब ऐसे होता है कि क्राउडिंग एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन और बहुत सारी दिक्कतें होती है दिल्ली में। इतनी ज़्यादा क्राउडिंग है कि हम रोड पर चल नहीं सकते सही से। तो यहाँ का जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है। फिर यह कि दिल्ली के जो फैकल्टीज है सर वो लेके आ रहे हैं, तो अब दिल्ली जाने की मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बच्चों को। जी थैंक यू सर, हमारे प्रयासों की सराहना करने के लिए, इससे हमें भी हौसला मिलेगा और हमारे चेयरमैन सर का, डायरेक्टर सर का ये जो बड़ा सपना है इस मरुधरा की माटी में भावी IAS और IPS ऑफिसर तैयार करने का, वो साकार होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, हमारे बीच गोविंद दास सर मौजूद हैं, प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के सीनियर फैकल्टी आप हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के लिए एक परफेक्ट, एक उचित रणनीति क्या? सर अगर रणनीति की बात करेंगे सर, तो सिविल सर्विसेज में कई बार पैटर्न चेंज हुए हैं। अगर हम इस पूरी परीक्षा की तैयारी को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 2011 के बाद 2014 से परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया। मुझे ये कहते हुए मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहली बार प्रिंस ने और पीयूष सर ने और पूरी टीम ने प्रिंस की उस परिवर्तन को समझा, उसकी ज़रूरत को समझा और ये देखा कि छात्र जो मुख्यतः गांव के क्षेत्र से उठ गया, तो वो एडवांस में भाप लेते हैं, परिवर्तन के गठित होने का इंतजार ही नहीं करते। तो सर वो जो परिवर्तन भापने की हमारी क्षमता वो अब एक विजनरी प्रोग्राम के रूप में, प्रिंस सिविल सर्विस के रूप में निकल कर सामने आई है। और उचित रणनीति सर ये होनी चाहिए कि जब हवा का रुख बदले तो नाविक को इंतज़ार करना चाहिए कि हम या तो हवा के रुख बदलने का इंतज़ार करें या फिर हवा के रुख के साथ सफ़र करें। क्या बात, क्योंकि हमें अपनी परीक्षा की रणनीति को संघ लोक सेवा के आयोग के अनुसार चलाना है, हम उसी रणनीति में नहीं रह सकते थे। बदलती हुई रणनीति में सर यह होगा कि ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम प्रिंस कॉलेज में ग्रेजुएशन के साथ, ये ठीक मेरे ख्याल से वैसा ही है जैसे लोग आग लगने के बाद कुआं खोदने की तैयारी करते हैं, अब आग बुझाएंगे। यस सर बिल्कुल, देखिए प्रिकॉशन पहले। हाँ जी, तो हमें पहले से ही उसमें तैयारी में एक तरीके से बिल्कुल रत रहना है। और अगर हम ग्रेजुएशन से तैयारी करते हैं तो मेरा सर व्यक्तिगत अनुभव भी कहता है और हमारे बीच पवन सर भी हैं कि यदि आप ग्रेजुएशन से ही तैयारी करेंगे तो लगने वाला जो पूर्ण समय है वो कहीं ना कहीं सर कम होगा और आप जल्दी सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए सर, आप एक पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ संभाल रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं उनको प्रिंस के सिस्टम पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस में से वो प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग को ही कॉलेज के पैरेलल कॉलेज के साथ साथ तैयारी करने के लिए क्यों चूज करें? यहाँ ऐसा क्या खास है, क्या विशेष है, क्या विशिष्ट है? सर जब मैं प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़ा था, मैंने दिल्ली में अध्यापन कार्य कई वर्षों तक किया। जब मैं प्रिंस से जुड़ा तो मैंने जो खुद महसूस किया एक अध्यापक के रूप में, मैं एक छात्र भी रहा हूँ एक छात्र के रूप में, और जब मेरी पहली बार पीयूष सर से बात हुई तो इस विजनरी प्रोग्राम में मुझे आपको दिल्ली की आबो हवा का, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर का पूरा अनुभव है, तजुर्बा, पूरा तजुर्बा है सर। और आबो हवा के 12x12 के कमरे में उसी में खाना बनाया है सर, उसी में पढ़ाई की, उसी में सोए हैं, उसी में चाय बनाई है सर। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अभाव भी रहे हैं, लेकिन यहाँ सीकर में सुना कि वहाँ बच्चे चाय का वो टोपिया धोते नहीं, सुबह से शाम तक 5 बार चाय उसी में बनती है सर, चाय पत्ती भी कम लगे। ये बिल्कुल सत्य बात है सर, चाय पत्ती भी कम लगे। और सबसे बड़ी चीज़ सर कि हमारा जो प्रिंस सिविल सर्विस का कैंपस और प्रिंस कॉलेज का कैंपस वह प्रदूषण से दूर है और सर ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ। प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जो क्लाइमेट का प्रदूषण है उसकी या मानसिक प्रदूषण की? सर दिल्ली जैसे महानगरों में मानसिक प्रदूषण भी ज्यादा है। सर मैं दोनों तरीके के प्रदूषणों की बात कर रहा हूँ, पहला मानसिक और दूसरा सर अगर कहें तो वातावरण का प्रदूषण। देखिए अगर स्वस्थ शरीर नहीं है सर तो स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता। अब मैं आपको प्रिंस कॉलेज की खासियतें बताता हूँ। प्रिंस कॉलेज लगभग यदि हम पूरा देखेंगे, जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, 500 एकड़ की जगह में यह लश ग्रीन कैंपस वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ, जहां वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हैं, और अगर मैं इसकी तुलना बड़े विद्यालयों से करूं तो अतिशयोक्ति नहीं है सर, हमारे पास लगभग तकनीकी संस्थानों के बराबर
वह जमीन, उसके बाद हमारा विजनरी जो हॉस्टल प्रोग्राम है जी। एक छात्र को सबसे मूलभूत आवश्यकता रहती है कि उसके पास से जब जैसे भी अभी आपने सर मानसिक प्रदूषण की बात की जी। मानसिक प्रदूषण दूर रहे, वह छात्रावास में रहे, विजनरी शिक्षकों की निगाह में रहे, हमारे पास खाने से रहकर पहनने और सारी सुविधा सर ने कर रखी है जी। और हम छात्र के सर्वांगीण विकास पर सिविल सर्विस में ध्यान देते हैं। अगर हम दूसरी जगह से तुलना करें तो वहाँ पर सर आपने फीस दे दी जी। छात्र आ रहा है नहीं आ रहा है यह छात्र की जिम्मेदारी जी। छात्र पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है छात्र की जिम्मेदारी, जबकि प्रिंस सिविल सर्विस में और प्रिंस कॉलेज में हमारी पूरी टीम लगातार छात्रों पर निगाह रखती है और हमारा प्रिंस सर संपूर्ण भारतवर्ष में पहला प्रोग्राम है ये जहां कॉलेज के साथ सिविल सर्विस की तैयारी होती है। आर यू श्योर? मैं बिल्कुल सर इस बात में श्योर हूँ और सिविल सर्विस की तैयारी मैंने की है सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये भारतवर्ष का पहला प्रोग्राम है। भारत का पहला प्रोग्राम है जो 12वीं के बाद कॉलेज के साथ ही यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी करवाता है जी। सर भारत का पहला प्रोग्राम और सबसे बड़ी जो हमारी विशेषता जिसपे हमें गर्व भी होता है कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास और यह सुनिश्चित करते हैं कि वो जब प्रिंस से पढ़ाई करके निकले तो सिविल सेवा में एक सफल करियर अपना बना पाए। और हमारी ये अपेक्षा भी रहेगी कि जितने छात्र हम पढ़ा रहे हैं वो पूरे के पूरे यानी संघ लोक सेवा आयोग में सिर्फ प्रिंस ही प्रिंस हो, जैसा कि हमारा रिकॉर्ड सर एनडीए में रहा भी है, हमने रिकॉर्ड स्तर पर भारत में नीट और जेई में भी झुंड हमने विद्यार्थियों के सिलेक्ट हुए और अब हमारा संघ लोक सेवा आयोग में भी सर यही एम रहेगा और इसी के साथ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल सर, जहाँ की फैकल्टीज का टारगेट ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की जब ट्रेनिंग्स हो तो वहाँ झुंड के झुंड प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग से निकले हुए हों तो निस्संदेह ऐसा होगा। हमारे बीच प्रेमवदा सिंह जी मौजूद हैं, आप लखनऊ की रहने वाली हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग की सीनियर फैकल्टी हैं। करंट अफेयर्स पर आपकी बड़ी पकड़ है, विद्यार्थियों को बड़ा मार्गदर्शन आप उपलब्ध करवाती हैं। तो मैडम, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए सही मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स टाइम के साथ अपडेट होता रहता है, इसलिए इसकी कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक नहीं हो सकती जी सर। गाइड करने वाला मेंटर अगर अच्छा हो, फैकल्टी अच्छी हो, तो ही बच्चे का करंट अफेयर अच्छा होगा या बच्चे के अंदर खुद के अंदर एक झील हो। तो करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल सिविल सर्विस की तैयारी में है और आपका संस्थान यानी प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग इसके लिए क्या एडिशनल कर रहा है? जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे लाइव दर्शकों को अपना नमस्कार देती हूँ। उसके बाद सर मैं आपको बताऊँ अगर करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस सिविल सर्विसेज में जी। तो 2011 के बाद जैसा गोविंद सर ने बोला कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा गया पैटर्न में, तो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स की वेटेज ईयर बाई ईयर यूपीएससी में बढ़ती जा रही है। ऑन एन एवरेज अगर इस साल का देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे गए हैं, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चंस यानी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे करंट अफेयर से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बात करें मेंस की तो आपके जीएस सेकेंड और थर्ड पेपर में आपका डायरेक्ट तो कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस का, लेकिन सेकेंड और थर्ड पेपर काफ़ी हद तक आपके करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछा जाता है। फिर आपका अगर फाइनल स्टेज की बात करें जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है, वहां पर तो जितने भी बर्निंग इश्यूज होते हैं आपके एक साल दो साल के, वहां भी आपके जो आपका स्टैंड होता है बर्निंग इश्यूज पे, उस पे भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो सर तीनों स्टेजेस में यानी यूपीएससी के इन तीनों स्टेजेस में अगर देखा जाए तो आपकी करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो सर इसके लिए मैं दो सोर्सेज में डिवाइड करूँगी करंट अफेयर्स को। एक तो है आपका प्राइमरी सोर्स जो कि सभी जानते हैं न्यूज़पेपर, जो अगर कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो उसके घर में भी वो न्यूज़पेपर आता है, लेकिन हमें दैनिक जागरण या फिर बाकी भास्कर जैसे पेपर से बचना चाहिए और एक स्टैंडर्ड जी सर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को उससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अगर मेरी पर्सनल चॉइस अगर पूछी जाए तो मैं द हिंदू पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो इसके लिए सर आपने जैसे बोला, सर ने भी मेंशन किया कि गांव के बच्चे चाहे वो कॉन्वेंट के हों चाहे वो हिंदी माध्यम के हों, उनके लिए हिंदू पेपर को
की रीच उनके लिए बहुत ही ना के बराबर है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो हिंदू पेपर पढ़े कैसे, तो यहाँ पर हमारे जो प्रिंस सिविल सर्विसेज के जो कंटेंट विंग है उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी बैठते हैं। हमारे जितनी सीनियर फैकल्टी है वो भी इन एडिटोरियल्स का गिस्ट निकालती है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैंने सुना है कि इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मंगवाना मुद्दा नहीं है, उसको कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर रीडिंग भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? जी सर, सर पहले तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि सर गांव में भी हिंदू न्यूज़पेपर 2 या 3 दिन बाद पहुँचता है, तो सर आपके लिए तो मटेरियल क्लब हो रहा ना, बार बार आप शहर जाओगे हिंदू न्यूज़पेपर लेकर आओगे तो वो तो आपका रोज़ रोज़ जाना आना पॉसिबल, और इतने टाइम वेस्ट अगर आप करेंगे तो UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कहीं पीछे छूट जाएगी। तो उसके लिए हमारी जो प्रिंस सर एक बार आप दिखाएंगे, एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की मंथली मैगजीन आती है, इसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एडिटोरियल हैं चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो उनको ट्रांसलेट करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए और इंग्लिश में जो आपका एडिटोरियल होता है उसका सार उसका जिस्ट निकाल के उसको सरल सिंपल इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश में उसे लिखा गया है, तैयार किया गया है। प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग की प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की मैगजीन पिछले 1 साल से चल रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे जो न्यूज़पेपर्स का अच्छा कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, बाकी का करंट अफेयर भी बनता है। जी मैडम। जी सर, जैसा कि आपने बोला था कि क्या पढ़े और क्या छोड़े और कैसे प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग में फैकल्टी बच्चों को बताती हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले सर हमारे जितने भी फैकल्टी हैं उनकी पहली क्लास में हम सबसे पहले यही बताते हैं कि मेंस के जो सिलेबस है उसके जो सब टॉपिक्स हैं पहले तो उनके बारे में उनको ब्रीफ आउट किया जाता है, उसके बाद क्योंकि जो आपके सब टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेट करके आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आपको पेपर में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो आपको सिलेबस बताता है, जिसके लिए हमारे लाइब्रेरी में जितने भी पेपर्स फिजिकल लाइब्रेरी में जितने भी पेपर्स होते हैं उनका एक ब्रीफ आउट एक मेंटर कोई ना कोई वहाँ पर अवेलेबल होता है और वो उसको ब्रीफ आउट करता है कि ये चीज़ आपके UPSC के लिए इररिलेवेंट है और ये चीज़ आपके UPSC में काम आएगी। तो सिलेबस का ब्रीफ आउट देना और न्यूज़पेपर की कैसे रीडिंग होती है वो लाइब्रेरी में एक प्रॉपर इसका सेशन चलता है। जी मैडम ने करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत शानदार मार्गदर्शन हम सभी के लिए रखा। अब एक बार फिर से डॉक्टर पवन कुमार सर की ओर आना चाहूंगा। यस सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की रणनीति क्या, क्योंकि मेरा एक बहुत प्रिय कथन है हिटलर का, वो अक्सर एक चीज कहा करते थे कि मैं हर जंग 2 बार जीतता हूँ, पहले दिमाग में और उसके बाद में मैदान में। वो ये भी कहते थे कि वो एक भी जंग जो पहले मैंने दिमाग में जीती है वो मैंने मैदान में कभी हारी नहीं। तो रणनीति बहुत बड़ी चीज़ है, और आपसे बड़ा एक्सपर्ट इस चीज़ का कोई हो नहीं सकता, क्योंकि UPSC CSC 2021 में यानी गांव की भाषा में कहूँ तो IAS 2021 के एग्ज़ाम में आपने 551वीं रैंक हासिल की है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की रणनीति क्या। हमारे माइंड में जितने हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे UPSC से रिलेटेड उतनी हमारी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी जैसे सिलेक्शन के बाद मैं देखता हूँ तो अब मुझे लगता है कि यार ये सिलेक्शन बहुत ईजी है, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब लगता था कि यार सिलेक्शन बहुत टफ है, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया UPSC का कि हाँ यार अब लगता है, और अब एक अच्छे से हम गाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जिनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए UPSC में, एक तो कि हर एक जो भी टॉपिक हो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो हर टॉपिक की एक बुक और उसको बार बार सिंगल सोर्स रखो और उसको बार बार पढ़ो, बार बार जितनी ज़्यादा हम बुक को पढ़ते हैं जैसे 3 बार पढ़ा 4 बार पढ़ा तो हर बार हमें लगता है कि यार यहाँ से हमें नई चीज़ मिली है। तो एक टॉपिक को मतलब एक बुक को पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, और जो बेसिक बुक्स हैं UPSC के लिए उनको पढ़ो पहले। आपका ये कंसेप्ट क्लियर, UPSC की जो बुक लिस्ट होती है जैसे हर जगह हम यहाँ पर भी मैंने बताई है कि बुक लिस्ट होती है, वो बुक लिस्ट रखो अपने सामने और उन बुक्स को उठाओ और बार बार पढ़ो चीज़ों को। एक रैपिड रीडिंग होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको लंबा मत खींचो ज़्यादा, लंबा खींचने पर क्या होता है कि हम मतलब बोरिंग हो जाता है टॉपिक और हमें नींद से आने लग जाती है। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको रैपिड रीडिंग के माध्यम से पढ़ो। ये हमारे राजस्थान कैडर के एक IAS है डॉक्टर JK सोनी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तैयारी के दौरान, तो मैंने सर से बात हुई। हाँ, आप बाकी को भी हाँ
तो उन्होंने मेरे को यही कहा था रैपिड रीडिंग कि जैसे मैं ऐसे रखता था कि भाई एक बुक है मान लो उसमें जैसे 1000 पेज है या 500 पेज है, 500 पेज है तो मैं डेली का फर्स्ट रीडिंग के टाइम टारगेट रखता था कि भाई जैसे 50-60 पेज डेली के हिसाब से पढ़ लूँ तो ये 10-1 दिन में ये 500 पेज की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो डेली का मेरा टारगेट रहता था कि डेली मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है। वो टारगेट अचीव होने के बाद ही मैं दूसरा काम करता था और साथ में जैसे जल्दी पढ़ता था बुक को रैपिड रीडिंग, और 3-4 बार उस बुक को पढ़ने पर हमारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती है। तो इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। और इसके साथ साथ जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो बहुत अटेंटिव होकर पढ़ो। न्यूज़पेपर एक अच्छी रीडिंग है, अच्छी मतलब हैबिट माना जाता है। इंटरव्यू में भी आपको पूछ लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर की कोई 3 हेडिंग बताओ आप, क्या क्या न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, तो ये अच्छी माना जाता है। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ना। देखो बहुत लोग ऐसे आपको गाइड करते हैं कि भाई ये उसका मतलब न्यूज़पेपर का एनालिसिस पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन आपके फर्स्ट एंड आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं और जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली जहाँ भी पढ़ते हो तो उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि मेरे को पीछे मतलब आज कहीं चला गया, कोई फंक्शन में चला गया, आज वाला छूट गया, नहीं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है तो उसको उसी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो निसंदेह आप UPSC सिविल सर्विसेज में सफल हो जाओगे। सर एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। नॉर्मली कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या पैरेलल RAS की तैयारी भी कर सकता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है और साथ लेकर के चला जा सकता है क्या? कई बार गांव के विद्यार्थी इन चीज़ों को लेकर के इनसिक्योरिटी का भाव भी उनके अंदर रहता है कि UPSC नहीं हुआ तो पैरेलल क्या करियर विकल्प हो सकते हैं। हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे UPSC जो अच्छे से कर लेता है तो उसके करियर विकल्प बहुत सारे होते हैं। जैसे मेरा भी 2-3 बार हो गया था कि इंटरव्यू तक पहुंचा मैं और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक ड्रॉप किया, RS का एग्ज़ाम दिया, RS मेरा सिलेक्शन हो गया और इसके बाद IAS में भी हो गया। तो पर एक समय पर एक तैयारी करो आप, ऐसे नहीं कि दोनों चीज़ें आप UPSC की RS की साथ तैयारी कर रहे हो, एक टाइम पे एक तैयारी पे फोकस करो। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो आप दूसरा पढ़ लो और राजस्थान GK एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है बस, इसके अलावा तो चीज़ें वही है लगभग सेम ही है। तो राजस्थान GK की 1-2 बुक आती है वो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी आप इसी चीज़ पर फोकस करो और फिर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे लिए थोड़ा टफ है या घर की सिचुएशन है या मेरे को जल्दी जॉब लेना है, जो भी हो, तो आप तुरंत जो राजस्थान वाले जो बेसिक बुक्स हैं 2-4 बुक्स हैं वो पढ़ लो जी। थैंक यू सर। अब मैं एक बार फिर से गोविंद दास सर तक आना चाहूँगा। सर 12वीं के बाद बच्चा कॉलेज शुरू कर देता है और आपने अब स्पेशली शेखावाटी में और पूरे राजस्थान में ये प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के माध्यम से, प्रिंस कॉलेज के माध्यम से ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर दिया है कि कॉलेज के पैरेलल यानी कॉलेज के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी UPSC RPSC की तैयारी की जा सकती है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि वास्तव में क्या इस चीज़ को धरातल पर उतारा जाना संभव है, कहीं बच्चे की कॉलेज तो प्रभावित नहीं होगी, और पैरेलल तैयारी की जाए तो किस तरह से की जाए, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर इस शंका का मैं जल्दी जल्दी में एक बात भूल गया कि प्रिंस का अपना प्रिंस सिविल सर्विस और प्रिंस कॉलेज का अपना एक अनोखा रिकॉर्ड है जी, वो भी एक रिकॉर्ड ही मानूंगा मैं क्योंकि मैं इस परिवार और पूरी टीम के साथ जुड़ा हुआ जी। आपको जानकर सर आश्चर्य होगा कि आज के इस युग में हमारा फैसला इसलिए सही है इस बदलते पैटर्न में क्योंकि आज प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विस की विंग में 11 राज्यों के छात्र जी अध्ययनरत हैं। तो अच्छा, प्रिंस सिविल मैं तो छोटी बात कर गया, मैं तो शेखावटी और राजस्थान की बात कर गया, यहाँ तो 11 राज्यों के विद्यार्थी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। 11 राज्यों के छात्र सर अध्ययनरत हैं, तो अब ये कहना कि प्रिंस का दायरा सिर्फ शेखावटी और सीकर या राजस्थान नहीं सर, प्रिंस आप जो पहले ये कह रहे थे कि ये देश में पहला प्रयोग है कॉलेज के साथ सिविल सर्विस की तैयारी का, वो सच साबित हो रहा है 11 राज्यों के विद्यार्थी। तो सर प्रिंस अब किसी राज्य की सीमाओं में बंधा हुआ नाम नहीं है, ये राज्य से बाहर निकल चुका है और अब ये भारत का नाम है क्योंकि 11 राज्य भारत को शो करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग सर भारतीय सिविल सेवा कही जाती है तो हम उसकी तैयारी कराते हैं और प्रिंस सिविल सर्विस पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है और 11 राज्यों के छात्र सर अपने आप में सबूत है कि हमारा यह प्रोग्राम भारत में अनूठा और सफल प्रोग्राम है जी। तो यहाँ आने के बाद आपकी प्लानिंग क्या रहती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, थोड़ा बिल्कुल ब्रीफ करके बताएं। सर हमारे साथ जब बच्चा जुड़ता है, कोई भी छात्र जुड़ता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में उसको ब्रीफिंग दी जाती है कि वह प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू,
और इसमें सर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हमारे जो चेयरमैन सर हैं और जो डायरेक्टर सर हैं एमडी सर, हमारे पास हमारे यहाँ दो एमडी सर, रामचरण सर जो कि हॉस्टल की पूरी व्यवस्था देखते हैं हमारी और बहुत ही कर्मठता से काम करते हैं, दिन रात वह रहते हैं, अशोक सर जो एकेडमिक्स देखते हैं, किशोर सर, कुलदीप सर और हमारी टीम के अदर फैकल्टी मेंबर्स। सर हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पहले काम सर, कुलदीप सर को तो सीधा मुखर्जी नगर से आयात किया गया, इम्पोर्ट किया गया, वहाँ का लंबा तजुर्बा, लंबा अनुभव आपके पास रहा है और हमारे चेयरमैन सर की बड़ी पसंद वहाँ उनसे मिलने के बाद, और उसके बाद ही वो थोड़े से कॉन्फिडेंट हुए चेयरमैन सर, उसके बाद ही कॉन्फिडेंट हो गए, जब मजबूत टीम मिल गई है तो क्यों नहीं तीर निशाने पर ही लगे। और सर तीर निशाने पर लगा है और विजनरी लीडरशिप जैसा कि मैंने कहा सर की, और पहले सर हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं। अभी पीयूष सर और पवन सर ने ओरिएंटेशन लिया था सर जी। और पवन सर जैसा कि बताया, पवन सर ने बच्चों को, गांव के बच्चों की सर एक प्रमुख समस्या होती है कि उनको बोलने को नहीं मिलता, एक्सपोजर नहीं मिलता। बड़े शहर के बच्चों के पास वो जाते हैं तो उनको एक आईना दिखा दिया जाता है कि बेटा आपको अंग्रेजी नहीं आती, चले जाओ। तो सर वो आईना आपके सामने बैठा हुआ है, 551 रैंक के साथ हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से सिलेक्ट हुआ जा सकता है, आपके सामने बैठे हुए हैं। और प्रिंस दोनों माध्यम के बच्चों को, तो मैंने कहा कि प्रिंस के झुंड सर हम जी भेजेंगे संघ लोक सेवा आयोग में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पहले, फिर सर हम प्री प्रिलिम्स मेंस, और जैसा कि प्रियंदा मैम ने बताया करंट्स की नॉलेज के साथ बच्चों को नई रणनीति नए एक प्लेटफॉर्म से लेकर चलते हैं। और सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मैंने खुद दिल्ली में अध्ययन किया, मैं दिल्ली में अध्ययनरत रहा जी, प्रिलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण की, मेंस कुछ वजहों से नहीं निकला, परंतु मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। दिल्ली की पद्धति जी जो कोचिंगों में चल रही है, मैं खुद दृष्टा रहा हूँ सर इसका, और पवन सर भी बता सकते हैं, एक पुराना पैटर्न सर जी जो 2011 के पहले फॉलो होता था वह आज भी फॉलो हो रहा है आने वाले समय में। लेकिन प्रिंस ने सर, मैंने खुद, मुझे अगर प्रिंस जैसा कॉलेज मिला होता तो शायद मैं भी बड़ी आसानी से संघ लोक सेवा आयोग को क्रैक कर जाता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सर मैं प्रिंस की फैकल्टी होके, परंतु यह उतना ही सत्य है जितना मतलब यह धरती जी, क्योंकि मौका मिलना सर बड़ी बात होती है। तो प्रिंस ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आएँ, जुड़ें, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करें और एक दो साल में आप सफल होकर निकल जाएंगे। तो समय कम होगा सर, तो एक स्ट्रेस कम रहता है और सफलता की दौड़। और सर एक मुख्य बात पवन सर इस अच्छे से रूबरू कराएंगे, उम्र का सर बहुत फ़र्क होता है। अगर सर हम कम उम्र में सेलेक्ट होंगे तो शायद सचिव पद से रिटायर हो सकते हैं जी। और सर अगर उम्र ज़्यादा हो गई तो हम सचिव स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सर इस सेवा की विशिष्ट बात है जी जी। तो छोटी उम्र में सिलेक्शन यही मुख्य है और ये प्रिंस आपको दे रहा है सर, प्लेटफॉर्म मिल रहा है जी। तो ये पूरा थैंक यू गोविंद सर। अगर आपकी भाषा को, चूंकि आजकल हमारे राजस्थान में नीट और जेई का बड़ा ट्रेंड है और एक दौर था जब 11th से नीट और जेई का फाउंडेशन शुरू हुआ तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था कि ये तो 12th के बाद का विषय है, और आज वही चीज़ महानगरों में 6th-7th क्लासेस चल रही है और नीट और जेई के टॉपर्स 12वीं के साथ बन रहे हैं क्योंकि वो फाउंडेशन कर रहे हैं। और प्रिंस के सिविल सर्विसेज विंग भी कॉलेज के साथ UPSC की तैयारी का फाउंडेशन है। आने वाले 3 साल बाद मेरी भविष्यवाणी लिख लेना, प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग और प्रिंस कॉलेज इस फाउंडेशन कोर्स UPSC और RPSC की फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से पूरे देश भर में एक बड़ा तहलका करने वाला है, क्योंकि नींव जब मजबूत होती है तो वृक्ष अपने आप ऊपर मजबूत बन जाता है। अब मैं अंतिम सवाल पुनः डॉक्टर पवन कुमार सर से लेते हुए, सर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे, अक्सर अगर आप दिल्ली में घुस गए तो आधा डिमोलाइज, तो आप आधा क्या 90% डिमोलाइज हो जाओगे कि हिंदी मीडियम के हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पवन कुमार सर इस चीज़ के बड़े अपवाद रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के बावजूद 551वीं रैंक अपने आप में बड़ी रैंक है। तो सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, और साथ में मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी लग रहे हैं तो आपके मेंटर कौन कौन रहे, किन लोगों में आप अपना आदर्श तलाशते थे और लाइफ में उनसे आपने क्या सीखा ताकि हमारी जो यूथ है इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है वो इसे सीख सके। ये मेरे जो आइडियल कौन रहे, ये UPSC में भी लास्ट इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ तो हमें हमेशा लाइफ में
इतने हमारे जो हमारी जो ये धरती है, पुण्य धरती है, इसपे हजारों ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं। आपने यही बातें की। तो मैं जो एक सामान्य पृष्ठभूमि का बच्चा होता है तो वो बड़ा सपना तभी देख सकता है जब उसके जैसे किसी आदमी ने देखा हो। तो डॉक्टर कलाम है, हम उनको अपने आप से जोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर कलाम है, ये मेरे आइडियल रहे हैं, इनकी मैंने जीवनियां पढ़ी है। तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूंगा कि महान लोगों की आप जीवनियां पढ़ो, आपके जीवन से, आपके जो संघर्ष है उनसे आप उनको महसूस करो। मुझे भी लगता है कि जो मेरा संघर्ष है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम जैसा ही संघर्ष है कि उनको भी कई बार है ना, जैसे वो मिसाइल प्रोग्राम कर रहे थे भारत का, ये जो हमारे आज अग्नि मिसाइल या ये जो मिसाइल है उनकी देन डॉक्टर कलाम ही है। तो बहुत बार ऐसे हुआ कि 14-14 घंटे तक वो काम कर रहे हैं लैब में, भूल गए वो काम में, रम गए बिल्कुल अपना जो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जो आपकी हॉबी होती है उसी को ही अपना काम बनाओ तो आप कभी बोर नहीं होगे, मतलब आपको काम करना नहीं पड़ेगा। तो 14-14 घंटे होते हैं लैब में, वो पियोन आता कि सर हमें भी घर जाना है, अब हम चले जाएं। वो सीनियर थे, सबसे सीनियर लैब में, वहां पर खड़े हैं 14-15 घंटे हो गए जब वो SLV पे इन पे काम कर रहे थे। तो उनकी उस टाइम कई मिशन फेल हुए, तो उन्होंने कैसे उस असफलता को बर्दाश्त किया। तो ये चीज़ें हमने अपने रिजल्ट से जोड़ा, मैंने कहा यार जब इतने बड़े आदमी थे वो भी ऐसे फेल हुए, उन्होंने ऐसे किया। तो मेंटर का तो लाइफ में हर आदमी के लिए मैं कहता हूँ, बच्चों के लिए तो विशेष करके आप डॉक्टर कलाम है, स्वामी विवेकानंद है और महान लोगों के आप जीवनियाँ पढ़ो और उनसे आप सीखो, इंस्पिरेशन लो, मैंने उनसे क्या सीखा है, आप उनसे अलग चीज़ सीख सकते हो। तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी और आपको अच्छा जीवन जीना सिखाएगी। एक बुक 1000 दोस्तों से कहा जाता है कि 1000 दोस्तों से ज़्यादा बेटर होती है एक बुक। तो आप जीवनियाँ बड़ी अच्छी बुक्स पढ़ो, इंटरव्यू में भी आपको फायदा मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ में बच्चों से मैं कहता हूँ हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। मैं हमेशा ये सोचता था कि एक दो बार मेरा जब इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया तो मुझे एक उनका कोटेशन याद आता था जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड इलेरी। तो इलेरी जब फर्स्ट टाइम बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन क्या हुआ कि बहुत बर्फीला तूफान आ गया और उनको वापस लौटना पड़ा। तो उन्होंने हिमालय से कहा था कि यह है हिमालय, तू तेरी हाइट नहीं बढ़ा पाएगा, अगले साल मैं फिर आऊंगा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर। तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। तो अपनी क्षमताओं को हमें बढ़ाओ। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर रखो, आप अपनी फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्शन से माइंड में जो भी चीज़ें हैं उन डिस्ट्रैक्शन को माइंड तब तक हटा दो जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हो। सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए आपका, एक ही विचार कि सिविल सर्विसेज, यही दिमाग में रील चलना चाहिए सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, इसी यही एक मंत्र है, इसी से आप सफल हो सकते हो बस। थैंक यू सर। एक बात ही सारगर्भित जानकारी भरे लाइव सेशन के लिए, आपकी वजह से ये लाइव सेशन बन पड़ा। और जब ऐसे लोग प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के मेंटर्स हैं तो निसंदेह इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने बार बार कहा कि आप कलाम साहब की जीवनी पढ़ें, विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ें, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और उसी का परिणाम है कि एक मटके बनाने वाले, एक ट्रक चलाने वाले का बेटा सिविल सर्विसेज में पहुंच गया बिल्कुल एक छोटे से गांव से निकल करके। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पुनः वही पंक्तियां दोहराना चाहूंगा जो शुरू में मैंने आपके लिए कही थी कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। लोग मरकर भी वापस जीने का मादा रखते हैं। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उस तिरंगे को दिखाया जाए। इस समय हम प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के बाहर पोर्च में बैठे हैं और ये शानदार लाइव चल रहा है। और जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकलते हैं तो 105 फीट की ऊंचाई पर लहराता हुआ देश की आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक ये तिरंगा आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। उसके नीचे लगा हुआ सेना का T-55 टैंक देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। और प्रिंस के हर दफ्तर में लगे हुए, जब भी आप टेस्ट में कुछ अच्छा करेंगे, जब भी आप जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे तो प्रिंस का मेमेंटो अशोक स्तंभ वाला आपको लगेगा, जिसे हाथ में पकड़ करके आप ये संकल्प लेते हैं कि एक दिन ये अशोक स्तंभ मेरे कंधे पर होगा और मेरे परिजन मुझ पर गर्व करेंगे, मेरे टीचर्स मेरे गुरु मुझ पर गर्व करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बड़े सपने देखने वाले अभिभावक हैं, बड़े सपने देखने वाले विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन के साथ ही UPSC और RPSC की तैयारी करने के इच्छुक हैं, उन्हें मैं कतई नहीं कहूंगा कि प्रिंस कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार प्रिंस कॉलेज का विजिट अवश्य करें। यहाँ का ऊर्जा से भरा हुआ माहौल, यहाँ ऊर्जा से भरी हुई फैकल्टी, पवन कुमार सर जैसे मेंटर्स, आप उनसे सबसे मिलकर के आपको ये लगेगा कि मैं पैदा ही सिविल सर्वेंट बनने के लिए हुआ हूँ। इस लाइव को आपने देखा, शेयर किया,
कमेंट्स किए, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदन रहेगा इसे शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये लाइव पहुंचे जो डॉक्टर पवन कुमार सर जैसा बनना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करना चाहते हैं। अगले 2-3 दिन बाद में प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग का एक और खूबसूरत सा लाइव नए अतिथियों के साथ, नए मेहमानों के साथ होने वाला है, जिसमें हमारे चेयरमैन सर उनसे मुखातिब होंगे। आप 2-3 दिन बाद में फिर इस लाइव सेशन से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।